हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता दयाल आज फिर आपका स्वागत करती हूँ कुक डिलीशियस की एक न्यू और मीठी मीठी वीडियो में। और फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कलाकंद। और फ्रेंड्स, जो इसकी रेसिपी है वो इतनी इजी है और इतने फटाफट से आपका ये कलाकंद बन के रेडी हो जाएगा। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, ये बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मलाई जैसा बना है और ये खाने में तो क्या बताएं, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना है। तो जब तक आप वीडियो देखेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, कलाकंद बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिया है 1 kg मिल्क और इसको मैंने अच्छे से उबाल लिया है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर उबाल बढ़िया से आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको दूध को फाड़ना है और इसके अंदर से छेना निकालना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 नींबू का रस और जो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास विनेगर है तो आप वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास नींबू अवेलेबल था तो मैंने यहाँ पे नींबू का रस डाला है। और नींबू के रस में से आप बीज को अच्छे से निकाल लें, तब आप इसे यूज़ करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा दूध है ये फट चुका है और छेना हमारा बिल्कुल अलग हो चुका है। और आप पानी देख सकते हैं, बिल्कुल अलग हो गया है। तो इस तरह से हमारा छेना फट जाना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे लेंगे एक स्ट्रेनर और उसमें लगाएंगे कोई भी एक कॉटन का कपड़ा और उसके अंदर जो ये हमारा छेना है इसे हम डाल लेंगे। ये देखिए, पानी से बिल्कुल अलग कर लेंगे हम इसको। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया और कितना सॉफ्ट हमारा ये छेना बन के आया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारा छेना है, चूँकि हमने नींबू का रस डाला है इसमें और अगर हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे तो जो हमारा कलाकंद है वो बेकार बनेगा, बिल्कुल फट जाएगा ये दूध में जाकर। तो इसको हम अच्छे से साफ पानी से लगभग 3 से 4 बार हम इसको बिल्कुल बढ़िया से वॉश करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको वॉश करेंगे। हम एक स्पून ले लेंगे और ये साफ पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से हिलाते जाएंगे कि जो भी इसके अंदर जो भी खट्टापन है वो निकल जाए। तो इसी तरह से हम इसको 3 से 4 बार फटाफट से हम इसको वॉश कर लेंगे बिल्कुल बढ़िया से। और आप चाहे तो इसे टैप के नीचे भी वॉश कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा छेना अच्छे से धुल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से जो इसका पानी है हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे और छेना को बिल्कुल सुखा लेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, छेना तो हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए हम अपने कलाकंद बनाने के नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो ये देखिए, अब हमें क्या करना है फ्रेंड, जो हमारा छेना है जिसके अंदर से हमने पानी बिल्कुल अच्छे से निकाल लेना है। ये देखिए, ये बिल्कुल अब ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम कपड़े के अंदर से निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। तो अब हम इसको किसी भी पोटैटो मैशर से या हम फॉक की हेल्प से इसको इस तरह से हम थोड़ा प्रेस करते हुए थोड़ा हम इसको इक्वल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये स्टेप करने से क्या होगा कि जो हमारा कलाकंद का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बढ़िया दानेदार आएगा। तो ये प्रोसेस हमें 3 से 4 मिनट करना है। तो फॉक से इस तरह से हम इसको मैश करते रहेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारे छेने को, तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा छेना अच्छे से मैश हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं कलाकंद बनाने के नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे लिया है मैंने एक पैन। तो आप कोई भी खुले मुँह का बर्तन ले सकते हैं, कढ़ाई ले सकते हैं या कोई भी पैन ले सकते हैं, नॉन स्टिक ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। तो उसमें मैंने ये लिया है यहाँ पे 1/2 kg मिल्क। तो 1 kg मैंने छेना बनाने के लिए यूज़ किया था, 1/2 kg मैंने यहाँ पे ये और यहाँ पे मैंने मिल्क यूज़ किया है। तो टोटल मैंने 1.5 kg मिल्क यूज़ किया है। तो आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं मिल्क की, आपको जितनी मिठाई बनानी हो कलाकंद की तो आप अपने हिसाब से इसका मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके अंदर एक दूध के अंदर एक बढ़िया सा उबाल आने देना है। तो आप देख सकते हैं दूध में बढ़िया से उबाल आ चुका है
और ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये मेरे पास यहाँ पे बड़े वाला चम्मच है, मैंने इसको दो भर के चम्मच इसके अंदर चीनी डाल दिया है। और आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो हमारा दूध है, हमें जो इसकी कंसिस्टेंसी है, इसे थिक करनी है, इसे पका पका के हमने गाढ़ा करना है। और अगर आप पूजा के लिए बना रहे हैं ये मिठाई, तो आप दूध को ऐसे ही पक के उबलने दें। और अगर इसके अलावा अगर आप ऐसे ही घर में खाने के लिए बना रहे हैं, तो आप इसके अंदर मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को फटाफट से थिक करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा मिल्क है ये आधा रह चुका है पक पक के, आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है। तो अब इस समय हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा छेना, और इसे ये देखिए इस तरह से हम बिल्कुल बढ़िया से हम मिलाएंगे, और इसी दूध के साथ हम इसको पकाएंगे अभी, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जमने लायक ना हो जाए। तो अभी हम इसको थोड़ा और थिक करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसके अंदर इलायची फ्लेवर पसंद है तो आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो अगर आपको पसंद है इलायची फ्लेवर, तो आप इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं 2 से 3 चुटकी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी थिक हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम थोड़ा अभी ठंडा होने देंगे 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये लिया मैंने यहाँ पे टिफ़िन, और इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है घी, और इसको हम अच्छे से कोट कर लेंगे टिफ़िन के अंदर, जिससे कि हमारी मिठाई इसके अंदर चिपके नहीं। और ये देखिए जो हमारा जो ये मटेरियल, जो बैटर तैयार हो गया है कलाकंद का, ये हम इसके अंदर डाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो चुकी है। और आपने देखा होगा मार्केट का भी जो कलाकंद होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है, और बिल्कुल हार्ड उसकी कंसिस्टेंसी नहीं होती है। तो ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहता है, हल्का सा बिल्कुल मलाई की तरह ये मुँह में घुल जाता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा हल्का सा लिक्विड रखा है। और अभी हम इसको आराम से 5 से 7 घंटा इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो हम इसको थोड़ा टैप कर लेते हैं 2 से 3 बार, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसके अंदर दाने दाने दिख रहे हैं। और ये थोड़ा मैंने यहाँ पे बादाम और थोड़ा पिस्ता काट के रखा था, तो इससे हम इसको गार्निश कर देते हैं थोड़ा, जिससे कि लुक वाइज भी अच्छा लगे। तो अब हम इसको सेट करने के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही, कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए। और इसे ज़्यादा भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा कलाकंद है ये सेट हो चुका है। तो हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लें, और उस पर ऑल का बटन क्लिक कर दें, जिससे कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उस आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हों, तो उसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरा पेज है कुक डिलीशियस के नाम से। और आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, और मैंने सभी तरह की वैरायटी जो डिशेज होते हैं वो देने की कोशिश की है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कलाकंद बिल्कुल बन के रेडी है, और ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी थोड़ी सी शेप बिगड़ गई। तो आप शेप पर ना जाएं, ये बहुत बढ़िया बना है खाने में। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना डिलीशियस है, और ये खाने में तो उससे ज़्यादा डिलीशियस है। तो आप भी बनाएं, ट्राई करें, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, हम जल्दी ही मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।